इनके चंद दोस्त प्रोग्रेस कर रहे हैं और आम जनता बेरोजगार हो रही है। आपके पास लोगों को देने के लिए मदद के पैसे नहीं ऐसा कहते हो, तो क्यों 28,000 करोड़ रुपये आप नया पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री का नया महल, इसके लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप पोलराइजेशन करते हो, राम का मरे या रहीम का मरे, हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर ये लंबा नहीं चलेगा। स्वागत है आपका नेशनल सिंह में, मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर जो कांग्रेस है उन्होंने एक पूरा धरना प्रदर्शन किया है तक मोदी सरकार के खिलाफ, इसी बातचीत को लेकर हम हमारे साथ हैं शक्ति सिंह गोयल, उनसे पूछते हैं जो महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर उनका क्या कहना है। सर, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो उस पर जो लोगों को पे भी असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी जो पार्टी है वो सत्ता में चुनकर आ रही है। देखिए, वोट किस नाम पे मिल रहे हैं? काम के नाम पे नहीं, क्योंकि वो तो कारनामे करते हैं। राम के नाम पे भी वोट नहीं मिलते हैं, क्योंकि राम के मंदिर की जमीन से भी ये पैसे खा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसे हथगंडे के नाम पे थोड़े दो वोट ले लेना वो प्रमाण नहीं होता है। आज देश की जनता को पूछो कि इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी गैस कम हुआ, कांग्रेस की सरकार थी जो इंटरनेशनल मार्केट में दाम थे उससे एलपीजी के दाम कम हुए, पर यहाँ पे 410 का गैस सिलेंडर 1,000 रुपया छू रहा है। पूरे देश में जैसे आपका चैनल है उसी तरह महंगाई दस्तक दे रही है पूरे नेशन में, और हर दिन 80 पैसा ये वो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज हमारे वक्त में कांग्रेस के शासन में $100 पर बैरल से कभी नीचे दाम नहीं गए, पर पेट्रोल डीजल कभी हमने 100 का आंकड़ा नहीं छुआ, और आज एवरेज बीजेपी के शासन में सिर्फ $60 पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है, और फिर भी डीजल और पेट्रोल 100 से पार है। तो ये महंगाई हर चीज़ों पर है। और दूसरी ओर मोदी जी विस्तार प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, मैं खुद सांसद हूँ, पार्लियामेंट अच्छी जगह बैठने की हमारी, आपके पास लोगों को देने के लिए मदद के पैसे नहीं ऐसा कहते हो, तो क्यों 28,000 करोड़ रुपये आप नया पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री का नया महल, इसके लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो जनता जनार्दन भी इस मुद्दे को ज़रूर समझेगी, और अहंकार ना रावण का, ना अंग्रेजों का, ना कंस का टिका है, तो भाजपा और मोदी का कहां से टिकेगा? थैंक यू। अभी तो सरकार जो मुफ्त में राशन बांट रही है उसका फायदा उठा रहे हैं लोग। देखिए, आप लूट मचाओ, 1,000 रुपया सिलेंडर का ले लो और 200 रुपये का मुफ्त का राशन की बात करते हो, तो ये इससे कोई लंबा फायदा नहीं है। लेकिन फिर सरकार जो जनता है वही तो जिता के ला रही है सरकार को। देखिए, टाइमिंग जरूर होता है, आप पोलराइजेशन करते हो, राम का मरे या रहीम का मरे, हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर ये लंबा नहीं चलेगा। तो जनता भी तो राम राज्य चाहती है ना, जब भी तो जिता रही है बीजेपी। राम वो थे जो बेस बदल के लोगों की बात सुनने निकलते थे, और ये नाम राम का लेते हैं, शासन इनका रावण का है। जैसे रावण के शासन में सोने की नगरी, माने चंद राक्षसों के महल सोने के थे। तो ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह, जो कांग्रेस से सांसद है, पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो आपने देखा किस तरह से वो बीजेपी पार्टी को घेर रहे थे कि जो महंगाई बढ़ रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उससे आम जनता पे कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है, उसकी मार जो है जनता की जेब पे पड़ रही है। कांग्रेस के टाइम पर इतनी महंगाई नहीं होती थी, लेकिन अब जब से बीजेपी आई है, जब से जो आम जनता है उसकी जेब कटनी शुरू हो गई है। मैं फहीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।